पूरे हाथ से विधायक चुने गए प्रदीप यादव ने झारखंड की जनता को बधाई दी, साथ ही आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बदलाव के मूड में थी। समर्थन हम सबों ने दिया है, इस पर बाद में हम लोग समीक्षा करके बताएंगे। खंड विकास मोर्चा के इस बार 3 विधायक चुनकर आए हैं और विधायक दल की बैठक के बाद प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रदीप यादव हमारे संग इस वक्त हैं। प्रदीप जी, आपको विधायक दल का नेता चुना गया है और आप लोगों ने बिना शर्त समर्थन दे दिया है हेमंत जी को, किसी मुद्दे पर बातचीत हुई या फिर किस सोच के साथ ये समर्थन आप लोग दे रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्षों में झारखंड विकास मोर्चा जिन मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी, लगभग वही मुद्दे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वही मुद्दे कांग्रेस, तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों का वही मुद्दा रहा। अब जनता ने विश्वास व्यक्त किया इन मुद्दों के समाधान का और जनता ने जिम्मेवारी दी है महागठबंधन हेमंत जी के नेतृत्व को, तो हमें लगा कि पूरी पार्टी ने एहसास किया कि जब जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया तो हमें और सहयोग करना चाहिए। इसे झारखंड की नौकरी छीनी जा रही है, झारखंड के नौजवानों का भाई उनके हाथों तक नौकरी पहुंचे तो हम सहयोग करेंगे तो यह काम बेहतर होगा, इसलिए हम सबों ने सहयोग करने का फैसला लिया है। चुनाव आप लोग अलग लड़े और रिजल्ट के दूसरे दिन ही आप लोगों ने बिना शर्त समर्थन दे दिया। नहीं, चुनाव अलग लड़े ये नहीं है, कुछ चीजें होती है कि भाई कुछ अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक नहीं हो पाए। पार्टियां अलग है तो अलग रहेंगी, लेकिन जिन मुद्दों उद्देश्य एक है तो उद्देश्य के समाधान के लिए एक मंच पर आना होगा। तो एक ही उद्देश्य है सभी पार्टियों का और शायद यही वजह है कि जेवीएम ने बिना शर्त हेमंत सरकार को समर्थन दिया है। अपने सहयोगी पवन के साथ विनीत उपाध्याय, न्यूज 11 रांची।